हेलो फ्रेंड्स, कुकीज़ी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और मोदक की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली बन जाएगी, झटपट तैयार हो जाएगी, जिसे हम बिना गैस के बनाएंगे। आज मैं रोज़ फ्लेवर वाले मोदक बना रही हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप डेसिकेट कोकोनट लिया है, जिसे मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिया है। हमें इसे पतला पीस लेना है। और ये मैंने 2/3 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये 2/3 कप मिल्क पाउडर भी मैंने मिला दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसे मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। अब ये मैंने लिया है 1/4 कप रोज़ सिरप, यानी जो गुलाब का शरबत होता है रेड वाला, वो लिया है मैंने। वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें एक साथ सारा ये शरबत इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए और इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं। जितनी ज़रूरत होगी हमें, उतना ही हम इसमें शरबत मिक्स करेंगे। इतना शरबत मिलाना है ताकि हमारे इस बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से हो कि हमारे मोदक आराम से इजीली बन जाएं। अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर लूँगी। हाथ से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। हमें इसका एक स्मूथ डो तैयार करना है। थोड़ा सा सिरप और डाल रही हूँ मैं इसमें। अब हम इसे हाथ से मसलते हुए एकदम चिकना कर देंगे, एकदम स्मूथ कर देंगे, ताकि हमारे मोदक इजीली बन जाएं। ये देखिए, एकदम चिकना हो गया, ये आपस में मिक्स हो गया। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। ये मैंने मोदक बनाने का साँचा लिया है, साँचे को मैंने ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम ये डो डालेंगे, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फैला देंगे और इजीली हमारे मोदक इसमें बन जाएंगे। ये दोनों तरफ इसमें हम लगा देंगे। अब इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है जो हमारा, वो हम निकाल देंगे और नीचे से इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे मोदक का शेप आराम से आ जाए। ये एक्स्ट्रा मैं सारा बाहर निकाल रही हूँ। अब हम इसे खोलेंगे। इस तरह से हमें आराम से इसे खोलना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट मोदक हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मोदक हमारा पिंक कलर का दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। हमने मिल्क पाउडर से बनाए हैं, तो इसका टेस्ट मावे जैसा आएगा। इसी तरह से मैं सारे मोदक बना के तैयार कर लूँगी। बिना गैस के झटपट 10 मिनट में हम ये मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। न ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, केवल 3 इंग्रेडिएंट्स से ये झटपट मोदक बनके हमारे तैयार हो जाएंगे। ये सारे मोदक मैंने बना लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।